नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि चीन को क्यों हो रही है आपत्ति भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास से, यानी कि जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दो देशों के बीच में, उसको लेकर चीन ने आपत्ति दर्शाई है। अब यहाँ पर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों चीन को इतनी मिर्ची लग रही है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स है, यहाँ पर एक न्यूज आई, न्यूज में बताया गया कि चीन ने कहा कि विवादित चीन भारत सीमा के पास, देखिए चीन को आपत्ति नहीं है, भारत और अमेरिका जो है वो अभ्यास कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। एक्चुअल में चीन को आपत्ति है कि जहां पर ये अभ्यास हो रहा है ना, जो जगह है उस जगह को लेकर चीन को आपत्ति हो रही है। अब वो जगह क्या, देखिए चीन ने कहा है कि चीन और भारत का जो सीमा के पास भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला जो सैन्य अभ्यास है उसका विरोध करते हुए कहा है कि ये दो देशों के बीच के जो सीमा का विवाद है उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कि भैया तीसरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये चीन ने ऐसी बात बोली। भैया कहाँ पर हो रही है, देखिए ये जो सैन्य अभ्यास है अभी फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद जो है वो शायद ये अभ्यास हो सकता है। अनुमान है कि अक्टूबर 2022 में ये अभ्यास हो सकता है। और कहाँ होगा, उत्तराखंड के ओली में। ये ओली कहाँ पड़ता है, LAC जो है ना, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी बताऊंगा ये कहाँ पर है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे 100 किलोमीटर दूर है ये। अब यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगी और यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये जो है कि अभ्यास यहाँ हो रहा है, भाई 100 किलोमीटर का एरिया है, इस 100 किलोमीटर के एरिया को बोल रहा है कि भैया यहाँ पर भी अभ्यास क्यों कर रहे हो। खैर, तो इतनी दूर जो है वो युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। ये 18th एडिशन हम कहेंगे दोनों देशों के बीच में होने वाले अभ्यास को लेकर। अब बात कर लेते हैं कि चीन को की आपत्ति क्यों हो रही है, क्या कारण है। देखिए चीन का मानना है कि दोनों देश जो है वो इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों देशों के बीच में जो वास्तविक सीमा के पास यानी कि LAC के पास कोई सैन्य अभ्यास आयोजित नहीं किया जाएगा। और चीन ने कहा है कि 1993 और 1996 जो दो समझौते हुए थे उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो जाएगा अगर ये अभ्यास हुआ। तो भैया 1993 और 1996 में कौन से समझौते हुए थे, तो देखिए ये समझौते हुए थे भारत और चीन के बीच में 1993 में, जिसमें कहा गया था कि जो LAC है वहां पर शांति बनाई रखी जाएगी, स्थिरता रहेगी, और इसी को मतलब कि इसमें संशोधन किया गया था 1996 में, और इसमें भी यही बातें बोली गई थी। साथ ही साथ कुछ सैन्य क्षेत्र को लेकर विश्वास निर्माणों का उपाय पे समझौते, कुछ और चीजें इसमें ऐड कर दी थी, यानी वही शांति बनाए रखेंगे, स्थिरता बनाए रखेंगे, एक दूसरे की जो सेनाएं हैं जो यहां पर हम कम करने की कोशिश करेंगे, ये बात बोली गई थी। यही कहा था कि 1993 और 1996 इन दोनों समझौते में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि दोनों जो है वो LAC के पास अपने अपने क्षेत्र में न्यूनतम स्तर पर सेना को रखेंगे। हालांकि ये जो न्यूनतम स्तर जो है इसको परिभाषित यानी इसको डिफाइन नहीं किया गया था भैया कितनी होनी चाहिए। तो 1993 और 1996 के समझौते यह भी अनिवार्य है कि सीमा संबंधी प्रश्न का अंतिम समाधान, भाई दोनों देशों के बीच में ऑब्वियसली जो सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, और जब तक दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है वो सुलझ नहीं जाता तब तक LAC पर सख्ती का पालन करेंगे, मतलब कि LAC को लेकर वो सख्ती से पालन किया जाएगा, जो भी इनके एग्रीमेंट है उन सब चीजों को बहुत अच्छे से लागू किया जाएगा। 1993, 1996 और 2005 के समझौतों के अनुसार LAC पर जो अगण्य शस्त्र है, मतलब कि जो ये कहेंगे ना फायर आर्म्स, उनको बहुत सख्ती से रेगुलेट किया जाता है वहां पर। अब ये जो अभ्यास हो रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो है वो लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये डिफेंस कॉरपोरेशन है, किन किन के बीच में हो रहा है, इंडिया और US के बीच में हो रहा है। ये एक्सरसाइज जो थी वो 2004 के अंदर जो है वो शुरू की गई थी। अब यहाँ पर ये जो हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, 18th होने वाला है अक्टूबर के अंदर। यहाँ पर दोनों ही देशों की दोनों सेनाएं जो आएंगी वो आपस में अभ्यास करेंगी। और इस एक्सरसाइज का जो मेन मोटिव है अंडरस्टैंडिंग कॉरपोरेशन इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू आर्मीज, दिस विल हेल्प देम अंडरटेकिंग जॉइंट ऑपरेशन एट बटालियन लेवल इन माउंटेन टेरेन विद कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन अंडर द एम्बिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
मतलब कि यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में जो अभ्यास होंगे वो कहाँ पर होंगे, माउंटेन पे होंगे, जो वहां पर जो ऐसी सिचुएशन है कैसे वहां पर उन सिचुएशन को हैंडल किया जाए, ये सब चीजें में दोनों देशों को सीखने में हेल्प मिलने वाली है। तो ये अभ्यास होने वाला है, व्हाट इज युद्ध अभ्यास, इस चीज को ध्यान रखना है कब शुरू किया गया था और ये अब कौन सा होने जा रहा है। अब दोनों देशों के बीच में जो मुख्य विवाद है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दोनों देशों के जो मेन जो पॉइंट है विवाद का वो है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो रहा है, देखिए ये आप देख रहे हो ना, वेस्टर्न सेक्टर हो गया, यहाँ पर ये सेंटर सेक्टर हो गया और यहाँ पर ये ईस्टर्न सेक्टर हो गया। इन तीन सेक्टर के ऊपर चीन का जो है वो विवाद और भारत और चीन के बीच में विवाद रहता है। अब यहाँ पर आपको पता है यहीं पर ही LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहीं पर है। यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे मैकमोहन रेखा है, यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर हो गया, यहाँ पर जो है वो चीन कहता रहता है कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है। तो जो मेन यहाँ पर मुद्दा आता है हमारे सामने दोनों देशों के बीच में ऑब्वियसली इस चीज को लेकर आता है, ये जो एरिया आप देख रहे हो इस चीज को लेकर आता है तो हमारा ही अक्साई चीन जो है तो हमारा, लेकिन इसके ऊपर कब्जा करके कौन बैठा है, चीन करके बैठा है। तो मेन मुद्दे के जो अभी जड़ है वो ये है। अब यहाँ पर देखिए दोनों देशों की जो अब बात करें पश्चिमी क्षेत्र पर व्याप्त असहमति, यानी पश्चिमी क्षेत्र पर अभी दोनों ही देश जो है वो शांत होने वाले हैं नहीं, ऑब्वियसली भारत वैसे भी नहीं हो क्योंकि वो हमारा ही क्षेत्र है। 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें चीन ने यह दावा किया था कि 1959 में LAC से वो 20 किलोमीटर पीछे हट गए थे। पूर्वी क्षेत्र, आपको पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, देखिए ये रहा पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न सेक्टर, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है जहां पर क्या आती है मैकमोहन रेखा आती है। अब ये कह रहे हैं कि पूर्वी जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मैकमोहन रेखा के साथ वो मिलती है और पश्चिम जो और मध्य क्षेत्र है वो पारंपरिक यानी कि जो चीन ने जो अपने पॉइंट्स बता रखे हैं वहां तक उनका मेल खाती है। अब 2017 में आपको बताया कि डोकलाम इशू हुआ था जिसके दौरान क्या हुआ था, चीन ने भारत से 1959 LAC का पालन करने को कहा था। अब 1959 में वही बात आती है कि एक इस टाइम में चीन के अंदर जोहू जोहू इनका नाम था ZHAU शायद अगर मैं स्पेलिंग नाम यूज कर रहा हूँ तो ये चीन के उस वक्त के प्रीमियर उनकी पार्टी के प्रीमियर यानी कि टॉप लीडर हुआ करते थे, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू जो हमारे तब के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके साथ इनकी बातचीत हुई थी और 1959 में LAC का एक उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था एक तरीके से। भाई यही बात है कि यहाँ पर आप शांति बनाए रखेंगे, इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे, तो ये सब चीज़ें बोली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप 1959 के एग्रीमेंट को मान लीजिए, 2017 की बात है, लेकिन भारत ने इस 1959 और 1962 इन दोनों को ही LAC की अवधारणा को खारिज कर दिया था। भारत की आपत्ति थी कि जो चीनी जो रेखा है मानचित्र पर बिंदुओं की जो श्रृंखलाएं जुड़ी हुई थी उसमें कई तरह से जोड़ा जा सकता है। 1962 में जो आक्रमण हुआ था, देखिए किसी को हानि न हो इसलिए रेखा जो है वो चीनी हमले से पूर्व 8 सितंबर 1962 वास्तविक रेखा पर आधारित होनी चाहिए थी। मतलब कि यही बात थी कि भाई आप पीछे हट जाइए, भाई युद्ध शांत हो चुका था, आपको वो एरिया छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, बावजूद उसके जो चीन जो वहां पर बैठा रहा था और अभी भी उन सब चीजों को सहमति नहीं हुई है। खैर यह तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब भारत और चीन के बीच में हाल ही में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, तो पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। आपको बताया कि मई 2020 में नाथुला सिक्किम, जहां पर सिक्किम है वहां पर चीन और भारतीय बलों के जो है वो सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। फिर जून 2020 के अंदर पूर्वी लद्दाख में पेंगोंगसो, गलवान घाटी, डैमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भी भारत और चीन की जो सेनाओं के बीच में फिर झड़प हुई थी। जून 2020 में भारत ने 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया था जिसमें टिकटॉक भी आती थी। नवंबर 2020 में भारत ने और अलग 43 जो नई मोबाइल ऐप्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया था जिसमें ज्यादातर क्या थी, चाइनीज ऐप थी। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया था सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसके अकॉर्डिंग लगाया गया था। पूछ भी सकते हैं कि किसके तहत जो है वो ये सेक्शन यानी कि प्रतिबंध जो है वो लगाया गया था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब भाई कुछ ये मुद्दे हो गए, इश्यू की डेवलपमेंट यानी विकास भी तो हुआ होगा, हाँ बेशक हुआ है। फरवरी 2021 की अगर मैं बात करूं, भारत और चीन में आखिरकार पेंगोंग जो झील है वहां पर एक समझौते पर पहुंचने के बाद फैसला किया गया था कि दोनों सेनाएं जो है वो पीछे हटेंगी और पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। सितंबर 2020 के अंदर हाल ही में भारत, अभी हाल ही की बात है, भारतीय और चीनी सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटना शुरू कर दिया, जो मई 2020 से चल रहे एक तरीके से वहां पर काफी टाइम से टेंशन का माहौल था, अब वो कहीं ना कहीं समाप्त होने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। अब वास्तविक यानी LAC यानी है क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बारे में अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं
LAC जो है एक प्रकार से सीमांकन है, एक लाइन है, मैं अगर लेकर आया हूँ, हाँ ये देखिए, ये आपके सामने होगी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक्साइज चेन है जिसके ऊपर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ LOC, ये LOC है, ये LAC है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भारत और चीन के बीच में, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी, भारत नियंत्रण क्षेत्र, मतलब ये बताता है कि भारत का जो क्षेत्र है उसके ऊपर चीन का अधिकार है, उसको अलग करती है ये। LAC की जो लंबाई है, भारत ने कहा है 3488 किलोमीटर है, लेकिन भारत के मानना है, लेकिन चीन कहता है ये 2000 किलोमीटर के आसपास है। अब LAC का विभाजन किया गया, तीन क्षेत्र में इसका विभाजन किया गया, एक तो पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में जो सिक्किम में 1346 किलोमीटर है, मध्य क्षेत्र उत्तराखंड में से हिमाचल इसमें आ जाता है, पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख इसमें आ जाता है, फिर पूर्वी सेक्टर में LAC का संरक्षण वर्ष 1914 में मैकमोहन के रूप में स्वरूप 1914 में एक तरीके से शिमला समझौता हुआ था, वर्ष 1914 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। LAC के मध्य क्षेत्र सबसे कम विवादित, जबकि पश्चिमी क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र दोनों पक्षों के मध्य सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है। मतलब जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, वेस्टर्न जो सेक्टर है वो दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा विवादित का मामला है। विवादित इसलिए ऑब्वियसली वो भारत का है और चीन उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आने वाले टाइम में ऑब्वियसली वो चीन जो है वो इससे पीछे हटेगा भी। अब LAC और LOC के बीच में हम फर्क जान लेते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस चीज को आपको समझना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भारत और चीन के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। कश्मीर के युद्ध के समाप्त के बाद क्या था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में सीज फायर जो है एक तरीके से वहां पर घोषणा करने के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद LOC जो है वो एक तरीके से इसका उदय हुआ था। दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद वर्ष 1972 में LOC के नामित, मतलब इसका नाम दिया गया था, मानचित्र पर दर्शाया गया था, और दोनों देशों के जो प्रमुख DGMO जो है उनके साइन हुए थे एग्रीमेंट के ऊपर और मानचित्र पर चित्रित किया गया था। इसे कानूनी समझौते के अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता है। लेकिन देखिए LOC को तो दर्शाया जाता है, लेकिन LAC को दर्शाया नहीं जाता, क्योंकि इस पे कोई सहमति नहीं बनी हुई है, न ही इसे मानचित्र पर दर्शाया गया और न ही इसे भौगोलिक रूप से सीमांकित किया गया है। तो LAC LOC के बीच में आपको, मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आगे की राह क्या हो सकती है, देखिए दोनों ही जो देश हैं, भारत और चीन की बात करूँ, ऑब्वियसली उभरती शक्ति हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत भी बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, एक ह्यूज मार्केट है भारत पूरी दुनिया के लिए। तो दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं आने वाले टाइम में डेफिनेटली हर एक को बीट करने वाली, यानी हर एक को पीछे छोड़ने वाली है। तो उस वक्त भाई आपस में लड़ने के बजाय दोनों को एक साथ चलना चाहिए। अब ये बात जो ये महाशय, ये तो कभी सीखेंगे नहीं चीन, इनको तो भैया हमेशा पंगे लेने, तो ये बात तो सिर्फ सिर्फ कहने की आ जाती है कि भाई दोनों को एक साथ चलना चाहिए। आज के टाइम में जैसे मार्केट है, मार्केट कैप्चर की जा रही है, तो भारत और चीन के पास इतनी बड़ी मार्केट है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें की समझने की जरूरत है, एक दूसरे के रास्ते में टांग अड़ाने के जाए एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। भारत और चीन को आपसी विश्वास बनाने के, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति का एहसास कराने के लिए सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ऑब्वियसली भारत और चीन के बीच में हमेशा ही ये वार्तालाप तो होती ही रही है, लेकिन बावजूद उसके चीन कभी सुधरने वाला है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मुझे कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ही पसंद आए हैं तो शेयर कर सकते हैं चैनल को एज वेल वीडियो को। PDF के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।